नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे दो मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। बोर्ड स्मार्ट वॉच यूजर्स को जल्द ही मिलेगा टैप एंड पे का फीचर। अपने स्मार्टफोन यूज वॉच के जरिए पेमेंट कर सकेंगे यूजर। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में किया कंपनी ने ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। असम में नमाज के लिए विधानसभा कार्यवाही के दौरान मिलने वाले दो घंटे के ब्रेक के प्रावधान को खत्म करने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। अलवर एसीबी ने किया बड़ा खुलासा। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले ही निकले आरोपी। 30,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। एक बार फिर विवादों में आए पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव। पतंजलि आयुर्वेद के हर्बल टूथ पाउडर दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व होने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर बीजेपी टीएमसी आमने सामने। टीएमसी ने बीजेपी के बंगाल बंद के विरोध में धरना देने का आह्वान किया। लंबे वक्त से शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 200 दिन पूरे हो गए। शंभू सीमा पर आंदोलन के 200 दिन पूरे होने के मौके पर किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे। यूपी में आगामी उप विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम योगी के लाल टोपी बयान पर दिया रिएक्शन। राजस्थान के स्कूलों की डगमगाई शिक्षा व्यवस्थाएं। डीपीसी नहीं होने से हजारों पद रिक्त। एडीएम नरेश बुनकर को सौंपा 5 सूत्री मांग पत्र। अलवर में पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हिंडौन में भूमाफियाओं द्वारा मंदिर की भूमि को कब्जाने की आशंका। मंदिर की भूमि के नामांतरण को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एन भारत।